हेलो टू एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने कवर किया था सेलेनियम पब्लिकेशन न्यू एडिशन के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को। तो आज की वीडियो जो होगी वो स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए, और इसको प्रूफ करना है सेक ए माइनस टेन ए टू द होल स्क्वायर के फॉर्म में, और ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो फिर से अगेन जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 देखा था उसमें था आरएचएस थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में था, या कह सकते हो उसको हम लोग एक्सपेंड करके थोड़ा छोटे फॉर्म में ला सकते थे, यानी वहां पर बहुत सारे फॉर्मूलाज बनाने के हम लोग के पास चांसेस थे। सेम उसी क्वेश्चन की तरह ये भी है, यानी इसमें हम लोग एलजीएस को ना ओपन करके हम लोग आरएचएस को ही ओपन करेंगे। तो नोट करते हैं सबसे पहले आरएचएस विच इज sec a minus tan a is 2 the whole square, sec a जानते हम लोग क्योंकि sec a की वैल्यू होती है 1 upon cos a, तो यहाँ पर लिखोगे 1 upon cos a, यहाँ पर लिखते हैं ये हो गया 1 upon cos a, minus tan की वैल्यू हम लोग जानते हैं tan equals to हो जाता है sin a upon cos a, तो tan a क्या हो जाएगा यहाँ पर sin a upon cos a, और एज इट इज तो मैं होल स्क्वायर लिख देता है। अब जान से हम लोग जब डिनोमेटर सेम होते हैं तो ऊपर के नंबर को हाइस्ट इज अप टू लिखते हैं, ऊपर के नंबर का मतलब हो गया न्यूमरेटर, तो कॉस ए यहाँ पर होगा नीचे, और ऊपर के नंबर को हम लोग को एज इट इज नोट कर देना और यहाँ पर लगा देंगे होल स्क्वायर। अब देखो लाना क्या, तुम्हें वन माइनस साइन है, देखो वन माइनस साइन का फॉर्मेशन ऊपर आ चुका है, तो लिखो इसको वन माइनस साइन अपॉन अपॉन कॉस ए। कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग करते हैं स्क्वायर को सेपरेट करके न्यूमरेटर में भी लिख देते हैं और डिनोमिनेटर में भी लिख देते हैं, यानी ये स्क्वायर इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो हमने लिख दिया। अब एक और चीज पॉइंट टू बी नोटेड कि न्यूमरेटर के स्क्वायर को ओपन नहीं करना है, पीछे के वीडियो में हम लोगों ने देखा था उसमें भी हम लोगों ने ओपन नहीं किया था, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमें लाना होता है उसका फॉर्मेशन फिर अलग हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको ओपन नहीं करते। तो वन माइनस साइन का होल स्क्वायर को एज इट इज, तो इसको लिख लो वन माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर लिख लो बिकॉज आइडेंटिटी कहती है कि कॉस स्क्वायर ही जहाँ पर भी होगा वहाँ पर लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने वन माइनस साइन स्क्वायर को लिख दिया। अब यहाँ पर ऊपर एज इट इज फिर से वन माइनस साइन ए टू द होल स्क्वायर, बट नीचे एक फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी जो कि यहाँ पर स्क्वायर से होती है, यानी ए स्क्वायर बने ए स्क्वायर विच इज ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो वन माइनस साइन ए ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो टू टाइम्स है तो ए बार कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या तुम्हारा, ये हो गया वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन है, वन माइनस साइन है और वन पर साइन है, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू एलसीएस के, एलसीएस था ना, तो हेंस तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 है कॉस एक वाई कॉस एक ए प्लस वन, इसको प्रूफ करना है हम लोगों को कॉस एक अपॉन वन प्लस साइन ए टू द होल स्क्वायर के फॉर्म। इसमें देखो हम लोग एलसीएस को भी नोट कर सकते हैं और आरएचएस को भी नोट का मतलब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा ही इसलिए क्योंकि देखो कॉस में भी फॉर्मूला लगा सकते हो वन अपॉन साइन का और इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हो होल स्क्वायर का, तो जो भी ओपन करो आएगा दोनों से, तो लेट से हम लोग एलसीएस, तो एलसीएस है कॉसिक ए माइनस वन अपॉन कॉस ए के प्लस, तो हम जानते हैं कॉस ए के को ये होता है वन अपॉन साइन ए और ये माइनस वन एज इट इज प्लस वन, और यहाँ पर भी वन अपॉन साइन ही हो जाएगा एज इट इज प्लस वन, यानी कॉस ए का हम लोग ने सिर्फ रेसिप्रोकल फॉर्म ओपन कर दिया जो कि होता है वन अपॉन साइन ए वन अपॉन साइन ए। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो आप वन कर लो, एलसीएम होगा साइन ए का वन से मल्टीप्लीकेशन पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉरी डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन होगा, तो जो है साइन ए वन का वन से मल्टीप्लाई माइनस साइन ए का वन से मल्टीप्लाई साइन ए,
एज इट इज नीचे भी, बस फर्क क्या है, नीचे साइन का फर्क, यानी ऊपर भी और नीचे भी नंबर सेम हो जाएंगे। सेकेंड नंबर और फोर्थ नंबर डिनोमिनेटर हो जाता है कैंसिल, तो तुम्हारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ वन माइनस साई अपॉन वन प्लस साई। अब ध्यान दीजिए, जो तुम्हें आरसीएस लाना है उसका जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम आ गया, देखो वन अपॉन साइन है, सॉरी वन प्लस साइन है और वन प्लस साइन आ गया, बट होल स्क्वायर नहीं आ रहा है। तो इस केस में तुम लोगों को पता होगा, सबसे पहली वीडियो पर हम लोगों ने सीखा था कॉन्जुगेट निकालना। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, ये अगर दो टर्म कोई भी है जिसे लिखा है ए प्लस बी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा ए माइनस बी। तो ऐसे ही हम लोग इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट निकाल देते हैं, वो कि क्या होगा, सबसे पहले तुम्हें इसके टर्म्स लिख लेने, जो भी है वन साइन है प्लस है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस, तो वन माइनस साइन है, जो कि हो गया डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड दे देते हैं हम लोग। तो क्या करा हम लोग ने, हम लोग ने यहाँ पर लिखा क्या करने पर, बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर। तो ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई, वन माइनस साइन है, वन माइनस साइन है। एक और चीज, अच्छा यहां पर हम लोग के पास डिनोमिनेटर के अलावा एक और चांस होता है कि हम लोग न्यूमरेटर का भी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अब यहां पर एक चीज ध्यान दे दो, वन प्लस साइन का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वन प्लस साइन जो है नीचे दो बार आएगा, तो दो बार आने का मतलब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर अगर वन प्लस साइन है तो यहाँ पर भी वन प्लस साइन होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर से अच्छा अगर न्यूमरेटर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर, यानी अगर न्यूमरेटर का हम लोग कॉन्जुगेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, वन माइनस साइन है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वन प्लस साइन है। तो हम लोग को जिस हिसाब से आरसीएस लाना होता है उस हिसाब से हम लोग अपनी लैंग्वेज और फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। तो वन प्लस साइन लिख दिया, इससे पहले क्या हुआ, देखो वन प्लस साइन है और वन प्लस साइन है दो बार लिखा हुआ है, जिससे ये बन के होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम लोगों को यहाँ पर डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट नहीं लिखना था, लिखना था न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट, जो भी लिख दिया है। अब लिख दो यहाँ पर, अब तुम्हारा आरसीएस आ जाएगा, तो पहले वन प्लस साइन हो जाएगा, अब क्योंकि टू टाइम्स है तो हो जाएगा स्क्वायर। मल्टीप्लाई का ध्यान रखना, आमने सामने मल्टीप्लाई होता है। अब ए माइनस बी, ए प्लस बी जो भी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया वन स्क्वायर का मतलब हो गया वन, माइनस साइन स्क्वायर का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख दिया, नीचे लिख दो वन प्लस साइन और इसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर, पीछे पढ़ा था हम लोग ने और पढ़ से भी आ रहे हैं, जो कि होता है कॉस स्क्वायर ए के इक्वल, क्योंकि आइडेंटिटी ये कहती है कि वन माइनस साइन स्क्वायर कुछ तो होता है कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर बचा वन प्लस साइन है, फिर यूज होल स्क्वायर। अब इतना तो पता ही है, पीछे भी क्या था कि जब दोनों में स्क्वायर है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर होता है, तो हम लोग पूरे फ्रैक्शन में स्क्वायर लगा सकते हैं। तो लगाओ, फिर ये कॉस अपॉन वन प्लस साइन, अब इसका क्या लगा दो, इसका लगा दो होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, दैट मीन्स पूरी में होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक सौ सौ आरएचएस और ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21।